माँ अपने बच्चों को हर तकलीफों से, हर दर्द से दूर रखती है। बच्चे को छोटी खरोच भी आ जाए तो माँ को दर्द होता है, लेकिन रविवार को 7 माह के बच्चे को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 7 माह के बच्चे को बचा लिया गया। वीडियो में देख रहे इस व्यक्ति को चाइल्ड एब्यूज के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 मिनट 49 सेकंड के इस चौंकाने वाले वीडियो में महिला आरोपी शख्स अपने 7 माह के बच्चे को बेरहमी से पीटती हुई दिख रही है। मां ने गुस्से में उसने बच्चे का गला तक दबा डाला। अम्बाजरी पुलिस सूत्रों ने कहा कि वीडियो 24 मई को शूट किया गया था। एक महिला को परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ मौखिक विवाद के दौरान अपनी बेटी की पिटाई करते देखा गया था। वीडियो को एक रिश्तेदार ने शूट किया था, जिसने इसे अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड किया था। किसी ने नागपुर के कमिश्नर को यह वीडियो भेज दिया और मां पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। बताया जाता है कि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए रविवार को क्लिप वायरल हो गई। बच्चे को बेरहमी से पीटने वाली मां का नाम किरण मेश्राम बताया जा रहा है। रात्रि 10 वाजता जवळपास आम्हाला माहिती मिळाली की व्हिडिओ वरून आमच्या कर्मचाऱ्याला असा एक व्हिडिओ प्राप्त झाला। तो व्हिडिओ त्यांनी मला शेअर केला। त्यात असं दिसून येत होतं की एक बाई आपल्या 6 महिने लहान दूध पित्या मुलाला मारपीट करत आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही स्टाफ पाठवला, त्यांना तिथून रेस्क्यू केलं आणि सगळे विचारपूस केली, काउन्सिलिंग केली। त्यावेळी माहीत पडलं की ही घटना 30 मेची नसून 24 मेची दुपारची 4 वाजताची आहे। त्या बाईचा नवरा कुठलंही काम सध्या नाही आहे, तो बँड वाजवण्याचं काम करतो, पण सध्या कुठलंही काम नसल्यामुळे तो बेरोजगार आहे। त्याची आई जी आहे त्याच्यावर घराचा उदरनिर्वाह चालत आहे आणि त्या अनुषंगाने सासू सुने थोडा वाद झाला होता, त्या अनुषंगाने तो सुनेनी आपला तिचा जो राग होता तो त्या मुलावर काढलेला आहे। सध्यापर्यंत आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काल त्या मुलाला जे काही मदत करायची ती केली आणि आता जे बाल कल्याण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाईन याचे काही कार्यकर्ते बोलवले, जे अधिकारी आहे त्यांना बोलवलेलं आहे। एक मीटिंग घेऊन आम्ही पुढची काय उपाययोजना करायची किंवा कुठला काय कायदेशीर बाबी पडताळून पाहतो। कैमरा पर्सन मायकल रामपुरे के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट।